राजेश मिठाइयां और पेठा बेचकर गुजर बसर करता था, लेकिन फिर उसे ना जाने क्या सूझी और उसने 1500 रुपए खर्च करके पुलिस की एक वर्दी सिलवा डाली। इसके साथ ही वो बन बैठा उत्तर प्रदेश पुलिस का फर्जी सिपाही। 8वीं पास राजन वर्मा जब खाकी वर्दी पहनकर अपने गांव और दोस्तों के बीच आता था तो उसका रुतबा देखते ही बनता था। हर बार नई नई गाड़ियों का शौकीन राजन वर्मा खुद को लखनऊ में तैनात सिपाही बताकर न सिर्फ गाँव में अपना जलवा दिखाता रहा, बल्कि इसी तरह उसने ना जाने कितनी लड़कियों के साथ खिलवाड़ भी किया। अयोध्या, श्रावस्ती, लखीमपुर, कानपुर और बरेली में महिला सिपाहियों के साथ उसने गुलछर्रे उड़ाए, उनके शरीर का इस्तेमाल किया और उन्हीं के पैसों पर ऐश भी किया। पुलिस की लेडी कांस्टेबल्स के साथ ये सब होता रहा और बड़े बड़े अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। खास बात ये थी कि वो वर्मा सरनेम वाली महिला सिपाहियों को ही अपना शिकार बनाता था और पुलिस की ये लड़कियां एक के बाद एक उसके फसाए जाल में फंसती रहीं। ये पूरी कहानी बहुत ही दिलचस्प है और इसे सुनकर आपको भी सतर्क होने की आवश्यकता है। जब पुलिस की लेडी कांस्टेबल भी सच्चाई नहीं समझ पा रही थी तो आम जनता कैसे ये सच जान पाती। इसीलिए सतर्कता ही बचाव है और ये सतर्कता हर किसी को रखनी ही चाहिए। वो वर्मा सरनेम वाली महिला सिपाहियों से कहता था, तुम भी वर्मा हो, मैं भी वर्मा हूँ, एक ही बिरादरी के दोनों हैं, एक दूसरे का साथ हम जीवन भर देंगे, मैं तुम्हारा प्रमोशन भी करवा दूंगा, फिर साथ साथ जिंदगी बिताएंगे। वो कहता था कि एक दिन प्रमोशन होकर मैं दरोगा बन जाऊंगा और तुम्हारी वर्दी पर भी स्टार होंगे, हम जैसे खुशनसीब कपल दुनिया में दूसरे कौन से होंगे। ऐसी चिकनी चुपड़ी बातों से पहले वो लड़कियों को प्रपोज करता, शादी करने का झांसा देता और फिर उनके साथ वो सब कुछ करता जो शादीशुदा जोड़े के बीच होता है। पूरी कहानी और इस कहानी की एक एक परत चलिए आपको बताते हैं। आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी करिए ताकि लोग सावधान रहें और लड़कियों के साथ साथ उनके परिवार भी सच से रूबरू हो सकें। लखीमपुर जिले में मिदनिया गढ़ी कस्बा पड़ता है। राजन वहीं का रहने वाला था। उसका मन पढ़ाई में नहीं लगा। उसने सिर्फ 8वीं तक की पढ़ाई की और उसके बाद पढ़ना लिखना छोड़ दिया। फर्जी तौर पर उसने 10वीं और 12वीं के कागजात भी बनाए, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हुआ। राजन का सपना पुलिस में भर्ती होने का था। पढ़ाई उसकी इतनी थी नहीं कि वो सिपाही बन सके। राजन ने पहले अपने गांव में 8 साल तक पेठा बनाने का काम शुरू रखा। ये काम उसने अपने गांव में ही किया था। पेठा बनाने की एक छोटी सी फैक्ट्री उसने लगाई। फैक्ट्री में बनाए जाने वाले पेठे को वो अयोध्या में सप्लाई करता था। इसी दौरान रात में बस अड्डे पर राजन की मुलाकात यूपी पुलिस के एक सिपाही सुनील से हुई। सुनील भी कम चालबाज नहीं था। उसने खुद को कभी दरोगा बताया तो कभी हेड कांस्टेबल। सुनील ने ही उससे कहा कि 5 लाख रुपए अगर वो दे दे तो उसकी भर्ती वो पुलिस में करवा देगा और कागजात भी खुद ही तैयार करा देगा। राजन इस लालच में फंस गया और 5 लाख रुपए कहीं ना कहीं से उसने इंतजाम करके दे दिए। इस बीच वो पुलिस में तो भर्ती नहीं हो पाया, लेकिन एसओजी सिपाही ने राजन को अपना मुखबिर जरूर बना दिया और हर महीने उसे 3000 रुपए देने लगा। पुलिस लाइन में ही राजन पुलिस कर्मियों के बीच रहता घूमता। उसकी नौकरी भले न लगी हो, लेकिन वो खुद को पुलिस वाला समझने लगा। इस पूरे मामले में पुलिस के हत्थे चढ़ चुके राजन ने पूछताछ में बताया है कि अयोध्या में पुलिस लाइन से कुछ दूरी पर पुलिस कर्मी वर्दी सिलवाते थे। वहीं से उसने 1500 रुपए खर्च करके वर्दी बनवाई, 700 रुपए में चमड़े के जूते खरीदे। राजन खुद को सिपाही बताने लगा। वर्दी में फोटो खिंचवाना और अपने दोस्तों के फोटो भेजना उसके रोज के शौक में शामिल हो गया। पुलिस वालों के साथ घुलने मिलने का ये खेल आरोपी ने अयोध्या पुलिस लाइन में रहकर ही सीख लिया था। राजन वर्मा ने कानपुर देहात में तैनात एक महिला कांस्टेबल से शादी का झांसा देकर होटल में ले जाकर उसके साथ संबंध बनाए, लेकिन कुछ वक्त बाद महिला कांस्टेबल को इसकी भनक लग गई और वो महिला सिपाही को चकमा देकर वहां से फरार हो गया। इसके बाद वो और भी शातिर बना और पुलिस की वेबसाइट पर जाकर उसने महिला कांस्टेबल के फोटो व उनका नाम और उपनाम देखकर उनके नंबर खोजने शुरू कर दिए। लखीमपुर में एक महिला कांस्टेबल से फर्जी तरह से उसने शादी भी रचाई और उसके पूरे 7 लाख रुपए हड़प लिए। 15 नवंबर 2022 की वो तारीख थी जब लखीमपुर पुलिस ने प्लॉट दिलाने का झांसा देकर राजन पर 7 लाख ठगी के आरोप में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके साथ उसकी एक प्रेमिका भी पकड़ी गई। ये गिरफ्तारी थाना मितौली पुलिस ने की थी। इसके बाद राजन और उसकी प्रेमिका जेल भी गई। जेल से छूटने के बाद भी राजन नहीं सुधरा। उसने फिर से वही करतूतें शुरू कर दी। एक और महिला कांस्टेबल को फंसाकर उसने उसके नाम पर गाड़ी भी खरीद ली। कभी महंगे कपड़े पहनकर वो होटल में उससे मिलने जाता था। कांस्टेबल को झांसे में लेकर कि दिसंबर में हम शादी करेंगे, उसके साथ उसने संबंध भी बनाए। दोस्ती और शादी के झांसे में आकर महिला कांस्टेबल उसके प्यार में पागल हो चुकी थी। महिला कांस्टेबल ने प्लाट खरीदने के नाम पर 6.5 लाख रुपए भी उसको दे दिए,
यहाँ तक कि महिला कांस्टेबल के नाम पर फर्जी तरह से कार भी खरीदी गई। उसने लखनऊ में इसी महिला कांस्टेबल के नाम पर फर्जी कागजात तैयार करके 23 लाख रुपए का लोन भी करा लिया, लेकिन जब महिला के खाते से पहली किस्त कटी तो उसे बैंक से सच्चाई का पता चल गया, जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आया और उसकी गिरफ्तारी हुई। पुलिस के फर्जी जवानों से बचने का सीधा तरीका है कि उसकी तैनाती के बारे में उससे पूछा जाए, उसकी तैनाती का सबूत देखा जाए, बजाय इसके कि उसकी बातों पर भरोसा किया जाए। वर्दी कोई भी पहन सकता है, लेकिन नियुक्ति असली सिपाही ही पा सकता है।